हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती, MSc AG हॉर्टिकल्चर। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ब्रीडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि कुछ पहले बेसिक बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको कि पिछले लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया, सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में, जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन के बारे में, प्रोपोगेशन मेथड और पॉलिनेशन मैकेनिज्म के बारे में, कि ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि आप लोग जेनेटिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं, जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जैसे कि माइटोसिस मियोसिस क्या होती है और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, मेंडल्स के लॉ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिक खुद से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, कि ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो इसमें हम लोग कुछ जो है कन्वेंशनल मेथड्स को पढ़ेंगे, कुछ मॉडर्न मेथड्स को पढ़ेंगे, मीन्स जितने भी मेथड्स हैं उन सारे मेथड्स को अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी लेवल पर यहाँ देखेंगे। हम डिटेल में अभी किसी मेथड में नहीं जा रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डिटेल में हम उसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन जितने भी मेथड्स हैं। अभी जो मेथड ऑफ ब्रीडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक जनरल माइंड मैप बनाने के लिए है, कि आपके दिमाग में एक मैप बन जाए कि कितने तरह के ब्रीडिंग अप्रोचेज या ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं जो कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में के इम्प्रूवमेंट में अडॉप्ट किए जाते हैं। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन थोड़ा समझते हैं कि ब्रीडिंग है क्या। ब्रीडिंग इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉप प्लांट फॉर ह्यूमन बेनिफिट। एक बेसिक सी बात है, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है ब्रीडिंग की, कि किसी भी प्लांट में, इवन प्लांट की ही बात हम क्यों कर रहे हैं, जब हम सिर्फ ब्रीडिंग कह रहे हैं तो ब्रीडिंग का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसमें जब हम किसी तरह का इम्प्रूवमेंट करें, मतलब वो जैसा है उसमें जो भी क्वालिटीज़ हैं उसकी किसी भी क्वालिटी में जब हम इम्प्रूवमेंट करें किसी तरह से अपने फ़ायदे के लिए या अपने बेनिफिट के लिए, तो वह प्रक्रिया कहलाती है ब्रीडिंग। अगर हम पौधों में ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्लांट ब्रीडिंग, और अगर हम एनिमल्स में कर रहे हैं तो कहलाता है एनिमल ब्रीडिंग, है ना। तो ब्रीडिंग का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी प्लांट ब्रीडिंग की अगर बात की जाए तो इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी पौधे में उसके उसकी क्वालिटी को लेकर के किसी भी तरह का जब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो कहलाता है प्लांट ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग, ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये दो तरह का हो सकता है, एक टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, एक परमानेंट इम्प्रूवमेंट भी होता है। टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट का मतलब कि जब आप शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट ले रहे हैं, और परमानेंट की उस मतलब कि टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट का मतलब ये हुआ कि उस पौधे में टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसके क्वालिटी में बदलाव करना। और परमानेंट ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि हम परमानेंटली एक बार उसमें जो इम्प्रूवमेंट कर दें वो जनरेशन टू जनरेशन उसमें वो क्वालिटी इम्प्रूव्ड रहे, है ना। टेम्परेरी प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ दैट कि आपके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, कि सपोज़ दैट कि आपके पास एक प्लांट है, टमाटर का पौधा है, ठीक है, आप चाहते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, है ना, अच्छी क्वालिटी, मतलब नंबर ऑफ़ फ्रूट, सपोज एक करेक्टर को लेके चलते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ फ्रूट्स ज़्यादा हो, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको फर्टिलाइज़र, प्रॉपर ऑप्टिमम डोज ऑफ फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करेंगे, टाइम से प्रोवाइड करेंगे, इरीगेशन प्रोवाइड करेंगे टाइमली, इन्वायरमेंट उसको फेवरेबल देंगे, इंसेक्ट पेस्ट से बचाएंगे, मींस जो भी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के दौरान जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं आप वो सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रॉपर वे में करेंगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि उस प्लांट में नंबर ऑफ फ्रूट्स बढ़ जाएंगे। यानी आपने क्या किया कि आपने इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट किया, इन्वायरमेंट मतलब सॉइल कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन या इरिगेशन या कल्चरल प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट की आपने उसमें इम्प्रूवमेंट किया और उस प्लांट में नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा आ गए, ठीक है। लेकिन ये जो आपने ये भी एक तरह की ब्रीडिंग है, आपने इम्प्रूवमेंट किया, ये भी एक ब्रीडिंग है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये सिर्फ उसी प्लांट तक सीमित है। ऐसा नहीं है कि आपने ये जो
उसको सारी अच्छी कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड की, इससे उसके जेनेटिक लेवल में भी कोई इम्प्रूवमेंट हो गया और इन फ्यूचर उस प्लांट के जो जो उस टमाटर में जो बीज हैं उन बीज को आप दोबारा लगाएं और फिर उनमें भी ऑटोमेटिकली अपने आप नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं टेम्परेरी ब्रीडिंग, मतलब जब आप इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं ताकि एक पौधा अच्छे से क्वालिटी अच्छे सा क्वालिटी प्रोडक्शन दे। परमानेंट ब्रीडिंग जो होती है उसमें ये होता है कि हम किसी भी पौधे को, इन्वायरमेंट को हम नहीं बदलते, हम उसके जेनोटाइप को बदलते हैं। हम इन्वायरमेंट को ना बदल के हम उसके जेनोटाइप को बदलते हैं, मीन्स उसके जीन में जब हम इम्प्रूवमेंट करें, उसके डीएनए लेवल पर इम्प्रूवमेंट करें, तो वह कहलाता है परमानेंट ब्रीडिंग। और इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए लेवल पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो ये परमानेंट क्यों होता है, क्योंकि फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी वो क्वालिटी पौधे में बनी रहती है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो ब्रीडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रीडिंग है परमानेंट ब्रीडिंग, या जेनेटिक लेवल पे जो इम्प्रूवमेंट करेंगे क्रॉप प्लांट में वो कहला, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रीडिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटी। अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ब्रीडिंग की बात की जाए तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लगातार चलती है, टू एड्रेस एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ बोथ कंज्यूमर एंड फार्मर, है ना। कंज्यूमर और फार्मर यानी जो उत्पादन करता है ना, और जो कंज्यूमर उपभोक्ता है, दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में तरह तरह की ब्रीडिंग एक्टिविटी की जाती है, जो कि लंबे समय तक चलती है और लगातार चलती है ना। कहने का मतलब, क्योंकि कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उसकी अपनी डिज़ायर रहती है कि इस पर्टिकुलर वेजिटेबल में या फ्रूट में ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी डिमांड रहती है, तो उस अकॉर्डिंग जो है क्रॉप में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। फार्मर्स की अपनी डिमांड होती है तो उस अकॉर्डिंग क्रॉप में इम्प्रूवमेंट किया जाता है। तो जितने भी तरह के ये इम्प्रूवमेंट हैं ये सब ब्रीडिंग ही कहलाते हैं, है ना। जैसे कि फार्मर क्या चाहता है, फार्मर का जो फार्मर की डिज़ायर होती है कि उसकी जो फसल है उसकी यील्ड ज़्यादा हो, सब यूनिफॉर्म मैच्योरिटी टाइम हो, और किसी भी तरह के इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंसी हो, है ना। ये फार्मर की डिज़ायर होती है अपनी क्रॉप को लेकर के। तो उस क्रॉप में जब इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इम्प्रूवमेंट किया जाता है तो ये फार्मर की नीड को सेटिस्फाई करेगा। कंज्यूमर की डिमांड रहती है कि क्वालिटी अच्छी हो, देखने में अच्छा हो फल या सब्जी, शेल्फ लाइफ उसकी लंबी हो, मतलब लंबे समय तक उसे स्टोर किया जा सके, टेस्ट अच्छा हो, न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी हो। तो ये जितने भी क्वालिटीज़ हैं, इन सभी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी फसल में इम्प्रूवमेंट करते हैं जेनेटिक लेवल पर, तो वही कहलाता है प्लांट ब्रीडिंग, है ना। तो हर क्रॉप में मोस्टली जो है यही हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि यील्ड ज़्यादा हो, यूनिफॉर्म मैच्योरिटी हो, तो हम उसके जेनेटिक लेवल में उसमें ऐसे बदलाव करते हैं कि उसकी क्वालिटी, उसकी यील्ड, उसकी मैच्योरिटी, उसके अंदर रेजिस्टेंसी, न्यूट्रिटिव वैल्यू, इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हो, ताकि हमारे फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों की नीड पूरी हो सके। अब मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग हैं कौन कौन से, तो देखिए ब्रीडिंग ये कोई नई चीज़ नहीं है। ब्रीडिंग जो है बहुत पुराने समय से होती आई है, जब इवन हम लोग जानते भी नहीं थे कि ब्रीडिंग क्या होती है, तो कुछ मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम से ब्रीडिंग के मेथड्स हम लोग अडॉप्ट करते आए हैं, उसको आगे हम लोग समझेंगे। तो उसमें से और आज तक के प्री हिस्टोरिक टाइम से ले करके आज तक के जितने भी ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स, मतलब पुराने समय में जो ब्रीडिंग मेथड्स अडॉप्ट किए जाते थे उनको कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स कहते हैं, और मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स यानी मॉडर्न यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ब्रीडिंग मेथड्स हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं उसको बोलते हैं मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स। जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का इतना इवोल्यूशन नहीं था, तो ये ज़्यादातर मैनुअल बेस्ड हैं कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स। और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ब्रीडिंग मेथड्स हैं वो हैं मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स। तो इनको पहले शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि ये है क्या क्या। कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स,
देखिए, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स में जितने भी मेथड्स आते हैं उनसे उनको समझने से पहले सबसे पहले एक चीज़ ये जान लेना चाहिए कि ब्रीडिंग के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है। कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स हैं, उन मेथड्स को अडॉप्ट करके प्लांट ब्रीड करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ की ज़रूरत है वो है वेरिएशन। पौधों के बीच में विभिन्नता बहुत ज़रूरी है, बिटवीन दी प्लांट्स, है ना, वेरिएशन बिटवीन दी प्लांट्स इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में एक जनसंख्या में पौधों के बीच में अंतर होना चाहिए। अंतर किस लेवल पर? जीन के लेवल पर, डीएनए के लेवल पर पौधों में अंतर होना चाहिए, क्योंकि अंतर नहीं होगा तो हम जो है ब्रीडिंग नहीं कर सकते। अंतर का मतलब कि जितने भी, सपोज दैट कि 100 पौधों की एक पॉपुलेशन है तो 100 पौधे जितने भी हैं उन सभी पौधों में जेनेटिक लेवल पर कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए किसी भी क्वालिटी को लेकर के, है ना, तभी हम उसमें से अच्छी क्वालिटी वाले जीन को किसी दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जो हमारा मनचाहा वेराइटी हुआ या जो भी चीज़ है, है ना, हम उसमें इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, अगर आप लोगों को याद हो, नहीं तो आप लेक्चर फर्स्ट पर जाइए, वहाँ पे मैंने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी या वेरिएशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि जब ढेर सारे वेरिएबल प्लांट मौजूद होंगे तो हमारे पास ढेर सारा जीन का सोर्स होगा, यूज़फुल जीन्स हमारे पास होंगे और उन जीन्स को हम अपनी डिज़ायर्ड वेराइटी में अलग अलग ब्रीडिंग मेथड्स से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है वेरिएशन का मौजूद होना, पौधों में वेरिएशन का मौजूद होना। तो वेरिएशन बिटवीन प्लांट्स इन ए पॉपुलेशन विच मे बी इन्वायरमेंटल, चाहे वो वेरिएशन इन्वायरमेंटल हो या जेनेटिक हो, वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए आधार है, वो ज़रूरी है। अच्छा, इन्वायरमेंटल वेरिएशन तो टेम्परेरी होगा, वो क्षणिक होगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र नहीं होता, तो हमें इन्वायरमेंटल वेरिएशन को ध्यान में नहीं रखना है, हमें जेनेटिक वेरिएशन, पौधों में जीन के लेवल पर जो अंतर देखने को मिलता है वो हमारे लिए यूज़फुल है। तो जेनेटिक वेरिएशन इज़ हेरिटेबल, क्योंकि वो अनुवांशिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र भी होगा, एंड रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन ए जीन और नंबर ऑफ जीन। और होता क्यों है? जीन की संख्या में या जीन के स्ट्रक्चर में बदलाव की वजह से। द कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज़ जर्म प्लाज्म, और ये जो वेरिएशन का जो कॉमन सोर्स है वो है जर्म प्लाज्म। और ये जो वेरिएशन का सोर्स है वो है जर्म प्लाज्म, मीन्स हमारे पास ढेर सारी प्लांट पॉपुलेशन होनी चाहिए। जर्म प्लाज्म मतलब प्लांट पॉपुलेशन हमारे पास होनी चाहिए, तब हम इस पॉपुलेशन से यूज़फुल जीन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक वेराइटी से दूसरे वेराइटी में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। द जर्म प्लाज्म इंक्लूड, अच्छा, इस जर्म प्लाज्म में किस जो प्लांट पॉपुलेशन है इसमें किस किस तरह के प्लांट्स हो सकते हैं? प्रिमिटिव कल्टीवर्स यानी पुरानी वेराइटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ लैंड रेसेस यानी लोकल वेराइटीज़ भी हो सकती हैं, अनइम्प्रूव्ड लोकल वेराइटीज़ भी हो सकती हैं, मींस अनइम्प्रूव्ड लोकल कल्टीवर्स का मतलब कुछ ऐसे कल्टीवर्स जो क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं हैं पर कुछ एक कैरेक्टर को लेकर के उनमें कुछ खासियत है, है ना। इम्प्रूव्ड कल्टीवर्स भी हो सकते हैं, इंडिजिनस भी हो सकते हैं, मतलब देसी भी हो सकते हैं, और कुछ इंट्रोडक्शन फ्रॉम दी आउटसाइड कंट्री या बाहर से भी कुछ ऐसी वेराइटीज़ भी हो सकती हैं जो बाहर किसी दूसरी कंट्री से अपने आई हों, वाइल्ड वेराइटीज़ भी हो सकती हैं, मतलब पॉपुलेशन जो हो वो पूरी तरह से हेट्रोजिनस हो, यानी उस पॉपुलेशन में जितने भी प्लांट्स हो उसमें जेनेटिक लेवल पर आपको अंतर देखने को मिले, तब आप अलग अलग प्लांट्स के यूज़फुल जीन्स को आप एक प्लांट से या एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द जर्म प्लाज्म इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ यूज़फुल जीन, द जर्म प्लाज्म इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ यूज़फुल जीन फॉर यूटिलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। ये बात मैंने बताई कि जर्म प्लाज्म होना बहुत ज़रूरी है और जर्म प्लाज्म के बीच में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम यूज़फुल जीन्स ले करके उसको प्लांट ब्रीडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन क्यों बहुत ज़रूरी है, है ना, और सेंटर ऑफ ओरिजिन का भी यही मकसद था। जो हमने पहले लेक्चर में सेंटर ऑफ ओरिजिन बताया वो इसीलिए बताया क्योंकि जो जिस क्रॉप की सेंटर ऑफ ओरिजिन, जहाँ पर वो ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ पर उसकी जो
उसकी जो पॉपुलेशन है, जो उसके वहाँ वाइल्ड रिलेटिव हैं, जो लैंड रेसेस हैं, है ना, बहुत सारी वाइल्ड रिलेटिव्स और लैंड रेसेस और स्पीशीज़ उससे उसी जीनस से बिलोंग करती हुई दूसरी स्पीशीज़ हैं, तो उनकी संख्या वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हमें यूज़फुल जीन्स मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। यूज़फुल जीन्स मतलब अच्छी क्वालिटी के जीन्स। तो इसलिए सेंटर ऑफ ओरिजिन में मौजूद जो जर्म प्लाज्म है, जो प्लांट पॉपुलेशन है, उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और हमें हर क्रॉप की अगर ब्रीडिंग करनी है तो उसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें सेंटर ऑफ ओरिजिन पता होगा तो हमें पता होगा कि उस क्रॉप से रिलेटेड वेरिएबिलिटी कितनी है, और फिर हम यूज़फुल जीन को उनमें से आइडेंटिफाई करके अपनी डिज़ायर्ड क्रॉप में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जर्म प्लांट्स का कलेक्शन, इट्स कलेक्शन का मतलब जर्म प्लांट्स का कलेक्शन, कंजर्वेशन, मेंटेनेंस, इवेलुएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका कलेक्शन करना, कंजर्व करना, मेंटेन करना, इवेलुएट करना, मतलब क्वालिटी को लेकर के, और डॉक्यूमेंटेशन मींस उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना, ये काम है NBPGR का, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये इसीलिए बनाया ही गया है, ये ब्यूरो है, ये इंस्टीट्यूट है, कि इसका काम ही है जर्म प्लांट्स कंजर्वेशन का, ताकि यूज़फुल जीन को बचाया जा सके फर्दर ब्रीडिंग के लिए। और तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ये काम करते हैं, फॉर एग्जांपल NBRI वगैरह है, जो बॉटनिक गार्डन्स जितने हैं वहाँ भी यही काम होता है जर्म प्लांट कंजर्वेशन का। वेरिएशन में भी नेचुरली प्रेजेंट, अच्छा वेरिएशन जो है किसी भी प्लांट में वो नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकता है किसी पॉपुलेशन में, और अगर नहीं है तो हमें ब्रीडिंग करनी है अगर उस क्रॉप में और वेरिएशन प्रेजेंट नहीं है, मतलब उससे रिलेटेड दूसरी वेराइटीज़ या वाइल्ड वेराइटीज़ या दूसरी पॉपुलेशन मौजूद नहीं है, तो हमें वेरिएशन क्रिएट करना पड़ता है। तो वेरिएशन क्रिएट करने के भी अलग अलग तरीके हैं, है ना। नेचुरल वेरिएशन अगर प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूज़फुल जीन को जो है वो यूज़फुल जीन को हम आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो हमें वेरिएशन क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद ये देखिए, इतने प्रकार के कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे प्री हिस्टोरिक टाइम से, प्री हिस्टोरिक टाइम का मतलब जो ऐतिहासिक समय से ह्यूमन बींग्स ने जब धीरे धीरे एग्रीकल्चर को समझा, जाना पौधों को की इस्तेमाल को समझा कि पौधे फूड का रिसोर्सेज हैं, खाने का सोर्स हैं शुरुआत में, कि प्लांट से हमें इनके प्रोडक्ट या इनके सीड को या इनकी पत्तियों को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अपने भोजन की पूर्ति जब वो पौधे से करने लगे तब उन्होंने इसकी उपयोगिता को समझा और पौधों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, ठीक है, इसे तो वो मेथड कहलाता है डोमेस्टिकेशन। अभी यहाँ इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन क्या होता है। तो ये सबसे पुराना मेथड है डोमेस्टिकेशन किसी भी पौधे में ब्रीडिंग का, इम्प्रूवमेंट का। अब कैसे होता है डोमेस्टिकेशन से, कैसे इम्प्रूवमेंट होता है, देखिए डोमेस्टिकेशन में क्या करते हैं कि सपोज दैट कि एक जंगल है जहाँ पर तमाम तरह के पौधे हैं, और आपको लगता है कि नहीं इस पौधे का फल या इस पौधे का बीज खाने लायक है, और आपने चुपचाप उस पौधे को आप ले आए और आपने उसका कल्टीवेशन शुरू कर दिया, तो इसे बोलते हैं डोमेस्टिकेशन, है ना। तो डोमेस्टिकेशन के माध्यम से भी तमाम तरह की फसलों में ब्रीडिंग की गई है जो पुराने समय से होती आई है। दूसरा मेथड है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन भी ब्रीडिंग का इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें जो है हम किसी दूसरे ज्योग्राफिक रीजन से, या जब हम किसी दूसरे क्षेत्र से या किसी दूसरे देश से या दूसरे महाद्वीप से कोई एक पौधा ला करके किसी दूसरे महाद्वीप या किसी दूसरे देश में हम जब उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वह भी एक तरह का ब्रीडिंग मेथड है जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो इसको भी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी शॉर्ट में जान लीजिए कि कितने प्रकार के कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन के थ्रू जो ब्रीडिंग है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में या अन्य देशों में ज़्यादातर फसलों में इंट्रोडक्शन के माध्यम से ब्रीडिंग हुई है। इंट्रोडक्शन से ब्रीडिंग कैसे होती थी, सपोज दैट ज़्यादातर ये ब्रीडिंग हुआ है ट्रेवलर्स के माध्यम से, जो तमाम यात्री वगैरह जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ाओ तो ये लोग, या तमाम तरह के व्यापारी जो होते थे, तो एक देश से कुछ पौधों
तो ये जो व्यापारी होते थे ये एक देश से दूसरे देश में पौधों को और बीज को ले जा करके जो है पहुंचाते थे। अपने व्यापारिक कारणों से उनका आना जाना होता था, लेकिन कोई अच्छा वैरायटी, अच्छा बीज उन्हें दिख गया तो वो एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते थे। तो इस तरह से बहुत सारी फसलों का जो अपने सेंटर ऑफ ओरिजिन पे जहां ओरिजिनेट हुई थी वो दूसरे देशों में इस तरह से उनका इंट्रोडक्शन हुआ। तो इंट्रोडक्शन इज़ अ मैथड ऑफ ब्रीडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टोमेटो की बात करें तो टमाटर का ओरिजिन आप देखिए तो वो है साउथ अमेरिका, मैक्सिको पेरू वाला रीजन है, पर वहाँ से दुनिया भर में टमाटर जो फैला वो इन्हीं ट्रेवलर्स के माध्यम से, टमाटर का जो प्लांट है या टोमेटो से जो लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ वो इन्हीं ट्रेवलर्स के माध्यम से हुआ और दूसरे दूसरे महाद्वीपों में ये पहुँचाया गया। तो इस तरह से जो है जो ब्रीडिंग का मेथड है इससे भी पौधे में इम्प्रूवमेंट होता है। कैसे होता है वो हम लोग डिटेल में इंट्रोडक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग में पढ़ेंगे कि कैसे एक जगह से किसी पौधे को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या दूसरे देश में पहुंचाया जाए तो उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया, तो वो हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। लेकिन इससे भी इम्प्रूवमेंट होता है और इसीलिए इंट्रोडक्शन भी एक प्रकार का ब्रीडिंग मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रीडिंग मेथड है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड है, वो है सेलेक्शन। सेलेक्शन मतलब कि आप चूज करना, छांटना। बहुत ही ये आसान सा और बहुत ही पुराना मेथड ऑफ ब्रीडिंग है। इसको आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि गेहूं की बुआई से जब गेहूं की बुआई करनी होती है और अगर आपके पास नया बीज नहीं, आप पुराने बीज, पुराने साल के बीज से ही अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि आप उसको आपके घर में उसको अच्छे बीजों को खराब बीजों में से अलग किया जाता है। जिन अच्छे मतलब जो पूरा का पूरा लॉट होता है उसमें से आप बेकार बीज को, जो सिकुड़े हों या छोटे हों, अंडर डेवलप्ड हों, उन बीजों को आप अलग करते हैं और बोल्ड सीडेड को, जो मोटे हों, बड़े दाने हों, है ना, हेल्दी देखने में लगते हैं, आप उनको उनसे सेपरेट करते हो, एक तरह से सेलेक्शन करते हो, तब आप उनको बुआई के लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये जो सेलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग है वो एग्जैक्टली वही है जिसमें आप एक बड़ी प्लांट पॉपुलेशन से अच्छे पौधों को और उनके प्रोड्यूस को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी जो पौधा हेल्दी लगे देखने में, जो इंसेक्ट पेस्ट के प्रति जिसमें रेजिस्टेंसी दिखे, क्वालिटी अच्छी हो, नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा हो, तो ऐसे पौधों को आप चिन्हित करके और उन पौधों के बीजों को अलग कर लेते हैं और बाकी पौधों को हटा देते हैं। तो ये भी एक मेथड ऑफ ब्रीडिंग है, इम्प्रूवमेंट है किसी भी वैरायटी में या पॉपुलेशन में, तो ये कहलाता है सेलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग। इसमें भी तरह तरह के मेथड है जो तमाम प्लांट ब्रीडर्स ने, वैसे तो सेलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग ये फार्मर ने इजाद किया, फार्मर्स इसे शुरुआत करते थे, लेकिन जब प्लांट ब्रीडर ने इस मेथड को और मॉडिफाई करने के लिए अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह के सिलेक्शन मेथड बताए, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, बैक क्रॉस मेथड, और इन सभी सिलेक्शन मेथड का अलग अलग पर्पज़ है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, अभी आप लोग ये बेसिक्स जान लीजिए कि कितने तरह के कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन मतलब आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हाइब्रिडाइजेशन जानते भी होंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप दो डिज़ायर्ड कल्टीवर्स या वैरायटी को, मतलब आप अपनी दो डिज़ायर्ड कल्टीवर मतलब मनचाही वैरायटी या कल्टीवर्स को जब आप आपस में क्रॉस कराते हैं तो उससे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड प्रोजेनी, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो डिज़ायर्ड कल्टीवर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? डिज़ायर्ड कल्टीवर्स का मतलब यह हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो हो सकता है कि किसी प्लांट में कुछ एकाध क्वालिटी को लेकर के अच्छे कैरेक्टर्स हों, किसी प्लांट में कुछ एकाध क्वालिटी को लेकर के अच्छे कैरेक्टर्स हों। फॉर एग्जांपल प्लांट ए है, प्लांट ए का फ्रूट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, अपीयरेंस वाइज बहुत अच्छा है, पर उस फ्रूट में किसी तरह की डिजीज़ के प्रति ससेप्टिबिलिटी है। और दूसरा आप एक उसी प्लांट या उसी पॉपुलेशन में एक ऐसा प्लांट देख रहे हैं जिसकी फ्रूट की हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना हो, अपीयरेंस अच्छा ना हो, पर उसमें डिजीज़ के प्रति, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंसी उसमें है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों की दोनों क्वालिटी किसी एक ही प्लांट में आ जाए तो उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन
प्रोग्राम जो है वो अरेंज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम मतलब दोनों प्लांट्स को पेरेंट की तरह हम यूज़ करते हैं, प्लांट ए प्लांट बी, और दोनों को क्रॉस करा के जो F1 हाइब्रिड हमारा प्रोड्यूस होता है हम उसे बोलते हैं हाइब्रिड। तो एक तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन का जो प्लांट होता है, जो हाइब्रिड होता है, वो दोनों पेरेंट्स की बेहतर क्वालिटियों को लेकर के प्रोड्यूस होता है। तो एक तरह का ये इम्प्रूवमेंट है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है। तो ये भी एक मेथड है इम्प्रूवमेंट का, जिसे बोलते हैं प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये भी कन्वेंशनल मेथड है। तो ये इतने तरह के डोमेस्टिकेशन, इंट्रोडक्शन, सेलेक्शन और प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स हैं। लेकिन इन मेथड्स की एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये मेथड्स बहुत टाइम टेकिंग है, मतलब लंबे समय के बाद आप पौधों में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, चाहे डोमेस्टिकेशन हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे सेलेक्शन हो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो, इसमें एक लंबा वक्त लगता है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में, है ना। 7 से 8 साल का भी समय लगता है कभी कभी एक वेराइटी को इम्प्रूव होने में, है ना। जेनेटिक लेवल पर किसी वेराइटी को इम्प्रूव होने में कई जेनरेशन्स लगती हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स की। मॉडर्न जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं वो क्यों लाए गए, वो इसलिए डेवलप किए गए मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स हैं वो एज ओल्ड टेक्निक्स हैं, पुरानी टेक्निक्स हैं जो फार्मर्स के द्वारा ज़्यादातर ईजाद की गई और प्लांट ब्रीडर्स ने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया, है ना। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, ये मैनुअल ब्रीडिंग मेथड है और काफ़ी टाइम टेकिंग है, ठीक है। दैट वेयर डेवलप्ड बाई फार्मिंग कम्युनिटीज, जिसको फार्मर्स ने डेवलप किया इन मेथड्स को, एंड इम्प्रूव्ड एंड रिफाइंड बाई वेरियस प्लांट ब्रीडर, जिसमें कि इम्प्रूवमेंट और रिफाइनमेंट किया प्लांट ब्रीडर ने। लेकिन ये मेथड बहुत ही टाइम टेकिंग था। जो मॉडर्न मेथड्स आर डेवलप्ड बाई, मॉडर्न मेथड्स हैं जो दे आर डेवलप्ड बाई प्लांट ब्रीडर्स, इन्हें डायरेक्टली साइंटिस्ट और प्लांट ब्रीडर्स ने ये मेथड डेवलप किया है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स। साइंटिफिक टूल्स की मदद से ब्रीडिंग मेथड्स जो नए ईजाद किए गए उन्हें कहा गया मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स। इन ब्रीडिंग मेथड्स की खासियत ये थी कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं थे, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत ही कम समय में आप किसी भी प्लांट में या किसी वेराइटी में आप जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने के बाद उस वेराइटी का मल्टीप्लिकेशन भी बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, और आप उसे किसानों में या उसे कमर्शियल लेवल पर रिलीज़ भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा था मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड का। आजकल जो पौधों में ब्रीडिंग की जा रही है वो इसी मेथड से की जा रही है, मॉडर्न मेथड्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनसे ब्रीडिंग कहीं कहीं पर की जा रही है क्योंकि वो लंबे हैं, टाइम टेकिंग है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उसमें क्या क्या आती हैं? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैनिपुलेशन। जैसे कि आप लोगों ने बीटी ब्रिंजल का नाम सुना होगा या बीटी कॉटन, ये जो बीटी ब्रिंजल या बीटी कॉटन की जो वेराइटी है ये मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड से जो है इवॉल्व की गई है, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग से या जीन मैनिपुलेशन से ये वेराइटी प्रोड्यूस की गई है। तो कुछ जो वेराइटीज़ मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड से प्रोड्यूस की जाती हैं वो बहुत शॉर्ट टर्म में डेवलप हो जाती हैं। मॉडर्न मेथड्स आर यूजफुल इन अचीविंग द डिजायर्ड प्लांट इम्प्रूवमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग। टिश्यू कल्चर नॉट ओनली यूजफुल, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर जो मेथड है ब्रीडिंग का, ये सिर्फ प्लांट प्रोपोगेशन के लिए नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन में टिश्यू कल्चर भी एक तरह का मेथड है पौधों को मल्टीप्लाई करने का, जिसमें एक सेल, एक सिंगल सेल या ग्रुप ऑफ सेल से आप एक नया प्लांट जनरेट कर लेते हैं अंडर लैब कंडीशन में, उसी को टिश्यू कल्चर बोलते हैं। तो ये सिर्फ टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है ये सिर्फ प्लांट प्रोपोगेशन के लिए यूजफुल नहीं है, टिश्यू कल्चर में हम ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, जिस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। कैसे करते हैं उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब डिटेल में वन बाई वन हम लोग सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो ये है मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स की टेक्निक्स। म्यूटेशन ब्रीडिंग सबसे पहली जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग तरह के ब्रीडिंग मेथड्स हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसी तरह से जो मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनमें आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन मतलब जीन में या क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल चेंजेस करके जब आप कोई नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, नया हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी नॉट हाइब्रिड, एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं या नया इम्प्रूव्ड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं या म्यूटेंट वेराइटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग।
नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग. पॉलीप्लॉइडी मतलब जब क्रोमोसोम्स की संख्या में आप बढ़ोतरी करके, पॉलीप्लॉइडी मतलब कि क्रोम जैसे डिप्लॉइड प्लांट है तो उसको ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड बना करके जब आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वह कहलाता है पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग. तीसरा है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन. कन्वेंशनल मेथड में आपने पढ़ा था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हम लिख रहे हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन. दोनों हाइब्रिडाइजेशन में अंतर समझ लीजिए. जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा पीछे अभी, यहाँ पर ये प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम दो वेराइटीज़ के बीच में है. ये हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं कि एक ही स्पेशीज़ की दो वेराइटीज़ के बीच में आपस में क्रॉस कराते हैं, है ना. तो और वो दोनों आपस में क्रॉस भी हो जाती हैं, कंपैटिबल भी होती हैं. जब हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि दो डिफरेंट स्पेशीज़ के बीच में क्रॉस कराना, है ना. फॉर एग्जांपल कि सपोज दैट कि हम लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम या लाइकोपर्सिकन हिरसुटम, टमाटर की ही दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, एक एस्क्यूलेंटम स्पीशीज़ है एक हिरसुटम है, इन दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये कहलाता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, या सोलैनम जीनस की ही दो स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस कराना, है ना. तो जब हम दो सेम जीनस से बिलोंग करने वाली दो अलग अलग स्पीशीज़ को क्रॉस कराते हैं तो वो कहलाता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन. या जीनस ही नहीं, स्पीशीज़ ही नहीं, दो डिफरेंट जीनस को भी अगर हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस मतलब उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराने की कोशिश करें तो वो भी कहलाता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन. डिस्टेंट मतलब कि दूर का, यानी ऐसे पौधे जो फैमिली वाइज, जीनस वाइज, स्पीशीज वाइज उनका कोई खास रिलेशन नहीं है, काफ़ी जो है दूर का रिलेशन है, तो उनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो वो कहलाता है डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन. और क्योंकि ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट जीनस से बिलोंग करने वाले प्लांट जिनका क्रोमोसोम नंबर और जो है साइटोलॉजिकल लेवल पर उनके जो बायोकेमिकल नेचर है, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो सब में काफ़ी अंतर होता है, तो इस वजह से उनमें नॉर्मल नेचुरल क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है. लेकिन हाँ, जो मॉडर्न ब्रीडिंग मेथड से इसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद से डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन भी कराने में सफल रहे हैं, ठीक है ना. तो ये भी एक तरह का ब्रीडिंग मेथड है. उसके बाद नेक्स्ट है तमाम बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं, जैसे टिश्यू कल्चर मैंने बताया, जिसकी मदद से हम ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करते हैं. मार्कर असिस्टेड सेलेक्शन मतलब कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जीन मार्कर्स की मदद से हम जब ब्रीडिंग करते हैं, और ट्रांसजेनिक प्लांट्स. तो ये इतने तरह के आपके ब्रीडिंग मेथड्स हैं.